उन्नत नगर में एक लक्स सलून एंड स्पा करके कोई महिला लेडी का ये है सलून है। वो सलून लॉकडाउन में बंद था। लॉकडाउन के बाद वो सलून चालू होने के बाद जो आरोपी हम लोग ने अरेस्ट किए उन्होंने उनके पास जाके ये सलून में अल्टरेशन किया है, यहाँ बीएमसी का परमिशन लिया क्या, बाकी यहाँ आप क्या क्या काम करते हैं, ये आने वाले लोग कौन हैं, ऐसा ऐसा पूछ के उनको हैरान करने का कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही तकलीफ़ देना चालू किया। तो वो जो हमारी कंप्लेंट लेडी है उन्होंने उनको पहले 25,000 रुपया दिया, फिर 10-15 ऐसा पिछले 2 महीने में पैसा दे दिया। फिर से उनको लगा कि चलो पैसा दिया, एक काम तो मेरा कम हो गया। फिर भी पिछले 15-20 दिन से वो लोग वापस 50,000 रुपया की मांग करने लगे। जो मांग कर रहे थे वो एक पत्रकार है, उनका खुद का वर्तमान पत्र है, और उसके साथ उसका जो दोस्त है वो भी उसका सहायक है। फिर वो लेडी ने हमारे पास कंप्लेंट की, हम लोग ने ट्रैप लगाया और वो पत्रकार को पैसा लेते वक्त कल रेड हैंड पकड़ा और उनके ऊपर एक्सट्रॉशन का केस दर्ज किया है। ऑलरेडी मामले हैं क्या पहले से? हाँ, पहले पहले भी इनके खिलाफ़ मामले हैं। इनके खिलाफ़ चेंबूर पुलिस स्टेशन और थाना में कोई पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज है, तो वो हम लोग खोज रहे हैं। नागपाड़ा में भी उनके खिलाफ़ मामला दर्ज है। नागपाड़ा के एक केस में वो वांटेड भी है, हमें मालूमात मिला है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह लगातार इस तरह की करते हैं, एक्सटॉर्शन में ही काम होता है। इनका हमारे पास तो पहली बार कंप्लेंट आया, लेकिन हम लोग ने बाकी भी कुछ कंप्लेंट जो हमको अप्रोच नहीं हुए आरोपी के इंक्वायरी में, जो जो उन्होंने नाम लिए और जहाँ जहाँ ये गए, तो हम लोग ने उसका कंफर्मेशन कर रहे हैं हम लोग कि शायद उनके पास वो गए थे क्या, और पैसा वगैरह कुछ मांगे हैं या क्या, और कुछ तकलीफ दी है।